आज मैं आपके साथ माश की अचारी माश की दाल शेयर करूंगी कैसे बनाई जाती है। आप कोई सी आपकी मर्ज़ी आप कोई सी भी दाल ले सकते हैं जो आप खाना पसंद करते हैं। सबसे पहले मैंने दाल ले ली थी, हाफ घंटा हो गया, मैंने भिगो के इसे रख दिया था। और मैं बॉयल करने का भी तरीका बताऊंगी कि कैसे इसे बॉयल किया जाता है। या मैंने चिकन ले ली थी, मेरे पास चिकन थी, हाफ़ केजी चिकन थी मेरे पास, और मैंने इसे मैरिनेट कर दही लगा के लहसुन अदरक का पेस्ट और अचार गोश्त का मसाला, जो घर पे मसाले होते हैं, आप कोई से भी मसाले लेके आप डाल। टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था, दो मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर थे। यहाँ मैंने प्याज को चॉप कर लिया, और ये मेरे पास गार्निश के लिए धनिया है, यहाँ पे मेरे पास लेमन है, और ये हरी मिर्च है। तो लास्ट में मैं हरी मिर्च में चार गोश्त का मसाला डाल के फिर वो मैं ऊपर लगा दूँगी। दाल बॉयल करने के लिए पानी रखा था, सबसे पहले मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। एक कप मैंने ऑयल ले लिया था और इसमें मैंने दो तीन प्याज डाल दी। प्याज का कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें चिकन मैरिनेट क्यूब ऐड कर दूँगी। साथ में मैं टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूँगी। 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ना ढक के रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। आप देखें दाल का कलर कितना ज़बरदस्त है और कैसे गली हुई है। हमेशा जब भी आप बॉयल करें तो आप ऐसे ही बॉयल करें हल्दी डाल के। इसे भी मैं 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख के ढक दूँगी। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ जो मैं गर्म मसाला डालूँगी, इसमें जायफल है, जवत्री है, काली मिर्च है, ज़ीरा है। लास्ट में ये हरा धनिया और ये हरी मिर्चों के मैंने चार कट लगा लिए, फिर मैंने उसमें से ये बीज निकाल दिए थे, बीज निकाल के मैंने वॉश कर ली थी हरी मिर्च आपके सामने। और ये मैंने गोल मिर्च लिए लास्ट में मैं डाल दूँगी। ये गोल मिर्च इस वजह से मैं डाल रही हूँ कि कोई मिर्च ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और कुछ लाइट खाना पसंद करते हैं। डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अचारी दाल माश की अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट्स करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।